स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जिससे भारत की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। नाम है मंगल पांडे, जिसने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर एक शांत सैनिक छावनी हुआ करती थी। पूर्वी भारत में सबसे अधिक भारतीय सैनिक यहीं पर तैनात थे और अंग्रेज गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी यहीं था। 1857 की शुरुआत में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था इस छावनी से ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला बिगुल बजाया जाएगा। 29 मार्च 1857 को रविवार था, लेकिन रविवार की दोपहर की शांति को भंग किया था एक सैनिक मंगल पांडे ने। मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब डेडलाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द राज में लिखते हैं, उस समय मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट का कोट तो पहन रखा था, लेकिन पतलून की जगह उन्होंने धोती पहनी हुई थी। वो नंगे पैर थे और उनके पास एक भरी हुई बंदूक थी। उन्होंने चिल्लाकर वहां पहुंच चुके सैनिकों को बहन की गाली देते हुए कहा, फिरंगी यहां पर हैं, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? इन गोलियों को काटने भर से हम धर्महरिष्ट हो जाएंगे। धर्म के खातिर उठ खड़े हो, तुमने मुझे ये सब करने के लिए उत्साह तो दिया, लेकिन अब तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। मंगल पांडे के बगावती तेवर की वजह थी अंग्रेज सेना में इनफील्ड की 53 राइफलों में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां। 1856 से पहले भारतीय सिपाही ब्राउन बीज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। 1856 में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के लिए एक नई बंदूक लाई गई, लेकिन इस बंदूक को लोड करने से पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सिपाहियों का मानना था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। भारतीय सैनिकों के बीच ये आम राय भी बन गई थी कि अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझकर भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाने के लिए किया है। इसके पीछे एक कहानी और भी थी। लेफ्टिनेंट जे ए राइट ने मंगल पांडे के मुकदमे में गवाही देते हुए इसका जिक्र किया था। एक बार एक निम्न जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी पीने की इच्छा प्रकट की। उस सिपाही ने ये कहते हुए उसे पानी पिलवाने से इनकार कर दिया कि इससे उसका लोटा दूषित हो जाएगा। इस पर उस निम्न जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया, जल्द ही तुम्हारी जाति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों को काटना पड़ेगा। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई कि सरकार उनकी जाति और धर्म को भ्रष्ट करने पर आमादा है। 2 फरवरी 1857 को बैरकपुर में शाम की परेड के दौरान सेकंड नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल के जा रहे कारतूसों के प्रति अपनी असहमति दिखाई। गोरे अफसरों के प्रति वफादार सैनिकों ने इसकी मुखबिरी करते हुए उन्हें खबर दी कि भारतीय सैनिक रात में मिलकर अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना बना रहे हैं। सबसे गंभीर विरोध बुरहानपुर में तैनात 19 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों की तरफ से आया। जब उन्होंने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उनके विरोध पर काबू करने के लिए अंग्रेजों को अपने तोपखाने को बुलवाना पड़ा। उन्हीं दिनों इन सैनिकों ने बैरकपुर में एक टेलीग्राफ दफ्तर को जला दिया और अंग्रेज अफसरों के घरों पर आग लगे तीर छोड़े गए। JWK ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर में लिखा, शायद इसका संबंध उस जमाने में बहुप्रचलित इस अफवाह से भी था कि प्लासी की लड़ाई के 100 साल बाद यानी 1857 में भारत में ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा। मंगल पांडे 22 वर्ष की आयु में 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की सेना में शामिल हुए थे। 15 से 27 मार्च के बीच मंगल पांडे ने लगातार हनुमान और शिव की अर्चना की। 29 मार्च को शाम 5:10 पर जैसे ही मंगल पांडे ने हंगामा शुरू किया, परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट बी एच बो पहुंच गए। मंगल पांडे ने देखते ही उन पर गोली चलाई जो उनके घोड़े के पैर पर लगी। घोड़ा गिर गया और धराशायी बो ने खड़े होते हुए मंगल पांडे पर गोली चलाई जो उन्हें नहीं लगी। बो के पीछे सार्जेंट मेजर ह्यूज़न भी आ गए। PGO टेलर ने अपनी किताब व्हाट रियली हैपेंड ड्यूरिंग द म्यूटिनी में लिखा, हालात देखते हुए ह्यूज़न और बो दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। उनके पास तलवारों के अलावा उनकी पिस्टल भी थी। मंगल पांडे ने बो और ह्यूज़न दोनों पर अपनी तलवार से हमला किया। वहां मौजूद सभी भारतीय सैनिक ये तमाशा देखते रहे। उनमें से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए नहीं आया सिवाय शेख पलटुके। उसने मंगल पांडे की कमर को पीछे से पकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों अंग्रेज अफसर बच निकलने में कामयाब हो गए। बाद में ह्यूज़न ने गवाही देते हुए कहा, मंगल पांडे का वार पूरे जोर से मेरे ऊपर नहीं पड़ा। नतीजा ये हुआ कि मुझे एक खरोंच भर आई। मंगल के सीधे हमले का निशाना बने लेफ्टिनेंट बो। उनकी जैकेट खून से सनी हुई थी, लेकिन इस बीच एक सिपाही ने आगे बढ़कर मेरी पीठ पर बंदूक से एक या दो प्रहार किए जिससे मैं नीचे गिर गया। मैं उस सैनिक को पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं देख सकता था कि उसने रेजिमेंट की वर्दी पहनी हुई थी। गिरकर उठने के साथ ही मैंने अपने बाएं हाथ से मंगल के कोट का कॉलर पकड़ लिया। मैंने अपनी तलवार से उस पर कई प्रहार किए। उसने भी मुझ पर तलवार चलाई और मैं घायल होकर फिर नीचे गिर गया। मंगल ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल हमें धक्का देने और दाहिने हाथ का इस्तेमाल हम पर प्रहार करने के लिए किया।
इतने में घटनास्थल पर 34 नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर कर्नल एसजी वेलर भी पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं, बाद में वेलर ने गवाही देते हुए कहा कि मैं अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा था। उसी समय डिवीजन के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल हियर से भी अपने दोनों बेटों के साथ वहां पहुंच गए। जब हियर से मंगल पांडे की तरफ बढ़ रहे थे तो किसी ने चिल्ला कर कहा, उसके पास भरी हुई बंदूक है। जब उनके बड़े बेटे ने उन्हें आगाह किया कि वो आप पर निशाना साध रहा है, हियर्से ने कहा, जॉन अगर मैं मर जाऊं तो तुम आगे बढ़कर उस शख्स को खत्म कर देना। इस बीच हियर्से क्वार्टर गार्ड पर अपनी पिस्टल लहराते हुए पहुंचे और उन्होंने उन्हें आदेश दिया, मेरी बात सुनो, अगर मेरे आदेश पर किसी सैनिक ने मार्च नहीं किया तो मैं उसे उसी समय गोली से उड़ा दूंगा। इस बार उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सब सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़े, उन्होंने अपनी बंदूक की नाल अपने सीने की तरफ कर अपने पैर की उंगली से बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली उनके सीने, कंधे और गर्दन को घायल करती हुई निकल गई और उनके कोट में आग लग गई। मंगल पेट के बल नीचे गिरे। एक सिख सैनिक ने उनके शरीर के नीचे से उनकी रक्तरंजित तलवार निकाली। मंगल को तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। शेख पलटू ने मंगल को पीछे से पकड़ तो लिया था, लेकिन वो उनका हाथ पकड़ने में नाकामयाब रहा। एक बार जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो मंगल ने अपनी कोहनी से उसे चोट पहुंचाई। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले ही पलटू की पदोन्नति कर दी गई। मुकदमे के दौरान मंगल पांडे ने स्वीकार किया कि इस पूरे मामले में उनका कोई साथी नहीं था। इस सवाल पर कि क्या आप गोली चलाते समय नशे में थे, मंगल ने कहा कि वो पिछले कुछ समय से भांग और अफीम का सेवन करते रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं कि मैंने किसको मारा है और किसको नहीं। उस जमाने में गोरे अफसर पर हमला करना एक तरह से अपनी मौत के वार्ड पर दस्तखत करना था। सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे को इसके लिए मौत की सजा सुनाई गई और 8 अप्रैल 1857 को सुबह 5:30 बजे उनके सैनिक साथियों के सामने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। किसी भी अंग्रेज अफसर से उसके आचरण के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। पहले मंगल की फांसी की तारीख 18 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि कहीं ये विद्रोह दूसरे इलाकों में न फैल जाए, इसलिए उन्होंने मंगल को 10 दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया। 1857 के विद्रोह में जान देने वाले मंगल पांडे पहले भारतीय थे। रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं, अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र न भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख पलटू के अलावा कोई भी भारतीय सैनिक अंग्रेज अफसरों की मदद और मंगल पांडे को रोकने के लिए आगे नहीं आया, जबकि उस समय करीब 400 सैनिक इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। जब सार्जेंट मेजर ने वहां मौजूद जमादार ईश्वरी प्रसाद से पूछा कि मंगल को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है, उसका जवाब था, मैं क्या कर सकता हूं, मैं लाचार था। उनके इस कथन के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। नंबर एक की वो भी इस योजना में मिले हुए थे। दूसरे, वो चाहते थे कि सभी गोरे अफसर घटनास्थल पर पहुंच जाएं। और तीसरे, उन्हें पता था कि मंगल पांडे को बाकी सैनिकों का समर्थन मिला हुआ था और उन पर नियंत्रण पाना आसान नहीं होगा। अंग्रेजों ने उनकी लाचार होने की दलील को नहीं माना और उन्हें भी 21 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मंगल पांडे को वहां मौजूद भारतीय सैनिकों का समर्थन हासिल था। वहां बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी अनुशासन बनाए रखने के नाम पर अंग्रेजों की मदद के लिए नहीं आगे आया। अमरेश मिश्रा अपनी किताब मंगल पांडे द ट्रू स्टोरी ऑफ एन इंडियन रिवोल्यूशनरी में लिखते हैं, भारतीय सैनिकों ने खुलेआम विद्रोह भले ही न किया हो, लेकिन उनकी सामूहिक निष्क्रियता बताती है कि वो विरोध और अवज्ञा का मूड बना चुके थे। उनके इस काम का यही मतलब निकाला जा सकता है कि मंगल पांडे जो कुछ भी कर रहे थे, उन्हें उनका पूरा समर्थन प्राप्त था। जब हियर्से ने उनसे पूछा कि क्या तुम भरी हुई बंदूक से डर रहे हो, तो वो सभी चुप रहे। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक अज्ञात सैनिक ने ह्यूज़न पर अपनी बंदूक की बट से प्रहार किया था। एक महीने बाद असहमति और नफरत की ये भंडिमा उत्तर भारत की कई सैनिक छावनियों में विद्रोह के रूप में परिलक्षित हुई और अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोही सिपाहियों को मंगल पांडे के जाति नाम प्रैंडीज से संबोधित करना शुरू कर दिया। मंगल पांडे की मौत पर कलकत्ता से पटना और पूरे गंगा के दोआबे में शोक मनाया गया। 10 मई में मेरठ में विद्रोह के बाद मंगल पांडे के दोस्त नकी अली ने उनकी अस्थियां उनके गांव जाकर उनकी मां को सौंपी। बाद में जब मंगल पांडे की 34वीं रेजिमेंट को सामूहिक सजा के तौर पर अप्रैल 1857 में भंग किया गया, तो उसके सभी सैनिकों ने परेड ग्राउंड से निकलने से पहले विरोध स्वरूप अपनी टोपियों को जमीन पर फेंक कर उन्हें कुचल दिया।